जी ओम प्रकाश राजभर फिर से सरकार के साथ खड़े नजर आए। जहाँ सरकार वहाँ वो है, उसके लिए क्या बोल सकते हैं, उनके लिए क्या बोल, उन्हें भी पिछड़ा दलित उनके लिए क्या है, अपने ही राम जतन राजभर को हरा रहे हैं सरकार के संग बैठ करके, और सुना है वो गाड़ी में बैठ करके आए। चलो एक दिन एसी की हवा मिल गई उन्हें, अच्छा रहा। एक दिन डिप्टी सीएम के साथ बैठ करके एसी की हवा, अब एक साल ठीक रहेंगे, एक साल उम्मीद करो ये सरकार के लिए ही काम करेंगे। अजीत सर तो कह रहे हैं कि राजभर जब हमारे साथ थे तो उनको सम्मान मिला, आज यही नतीजा है कि जो भाजपा के पास गए हैं हमारे सम्मान की वजह से। जब उनके पास गए थे तब किसके सम्मान से गए थे, वो आपा खो बैठे हैं। आज के तारीख में उनके कई बयान हम देख रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। पहला बयान उनका सोशल मीडिया पर पत्र उनकी पार्टी का एक वायरल हो रहा है कि दलित और पिछड़े का प्रेम जगा है, अपनी अंतरात्मा की आवाज। जब दलित की बेटी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी तब ओम प्रकाश राजभर दलित की बेटी को वोट दिया, तब आपको बुरा लगा, आप तो सिन्हा जी के साथ थे, उस समय क्या कर रहे थे? जब आप मुख्यमंत्री थे तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया, अति पिछड़ों को हिस्सा क्यों नहीं दिया? पावर आपके पास था तब आपने कुछ नहीं किया। आज दिक्कत वहां वो नहीं है, दिक्कत ये रही समाजवादी पार्टी लोडर बना के रखना चाहती है, लीडर नहीं, एक भी पिछड़े समाज का लीडर नहीं पैदा किया। जिस तरह बहुजन समाज पार्टी कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में लीडर नहीं पैदा होने दे रही, उसी तरह बैकवर्ड में अखिलेश जी सोचते हैं कि कोई लीडर ना पैदा हो। तो लड़ाई वर्चस्व की हो रही है और कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी अभी से अपनी जीत के दावे कर रही है, वो तो 403 सीट 400 जीत रहे थे 403 में, तब वो तो जान गए हैं कि जानबूझ करके जहर खा रहे हैं ना।